दिल्ली में शराब सस्ती होने जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा और यूपी के अन्य शहर जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगी हुई हैं, वहां की जनता खुशी से झूम रही है, पर यूपी आबकारी अफसरों के पसीने आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शराब सस्ती होने जा रही है तो गाजियाबाद और नोएडा में शराब की तस्करी बढ़ सकती है। आबकारी विभाग के मेरठ जोन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक गाजियाबाद में हुई, जिसमें ये योजना बनाई गई कि दिल्ली से सटे क्षेत्रों में नए चेकिंग सेंटर खोले जाए और दिन रात तस्करी रोकने के लिए निगरानी की जाए। दिल्ली में नई आबकारी नीति नवंबर महीने से चालू हो जाएगी, जिस वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बियर और विदेशी मदिरा के मूल्यों में भारी अंतर रहने की संभावना है, जिसके कारण दिल्ली से मदिरा की तस्करी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होने के प्रबल संभावना है। इसी तस्करी को रोकने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतें अब सरकार तय नहीं करेंगी, कंपनियां तय करेंगी। माना जा रहा है कि इससे शहर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे लोगों को ये लाभ होगा कि उन्हें सस्ते में शराब मिल सकेगी। इसी वजह से संभव है कि पूरी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में शराब के अलग अलग दाम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।